हाँ भाई, नमस्कार सभी फायर फाइटर्स को। और आज हम एक आईएएस कोड का जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर के आए, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में कि CO2 जो HCUC का मीडिया होता है उसका IS कोड कितना है। ऑप्शन ए है 4308, ऑप्शन बी 15222, ऑप्शन सी 2190 और ऑप्शन नंबर डी है 15683। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि CO2 HCUC का मीडिया का IS कोड कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15282 जो है वो CO2 HCUC का मीडिया का आइस कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि BC टाइप जो पाउडर है उसका आइस कोड होगा। BC टाइप जो पाउडर यूज में हम लेते हैं उसका आइस कोड कितना होता है। तो ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 4308, ऑप्शन बी 15222, ऑप्शन सी 2190 और ऑप्शन नंबर डी है 15683। तो दोस्तों, कंटिन्यू इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहे ताकि प्रैक्टिस करने से जितने भी जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हमें समझ में आते हैं। पहले ऑप्शन को सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद में हम उसको हल करेंगे। तो बीसी टाइप जो पाउडर यूज में लिया जाता है उस एक्सट्रीयूसी को मीडिया का आइस कोड कितना होता है। तो इसका जो आइस कोड है वो 4308 है। तो आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बीसी टाइप जो पाउडर यूज में लेते हैं उसका आइस कोड कितना होगा 4308 और CO2 जो एक्सट्रीयूसी का मीडिया होता है उसका आइस कोड होगा 15222। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है अपने पास में कि ABC जो पाउडर यूज में लिया जाता है उस पाउडर का आईएस कोड कितना होगा। ऑप्शन ए है 4308, ऑप्शन बी 15222, ऑप्शन सी 14609 और ऑप्शन नंबर डी है 2229। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ABC जो पाउडर है उसका आईएस कोड कितना होता है। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14609। 14609 उसका राइट आंसर होगा। ABC जो एक्सट्रीमिसिंग है, जो पाउडर मीडिया जो हम यूज में लेते हैं आपको बुझाने के लिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि जलने वाली जो धातुएं होती हैं उसके ऊपर जो सूखा पाउडर हम प्रयोग में लेते हैं उस सूखे पाउडर का आईएस कोड कितना है। तो ऑप्शन ए अपने पास में 7230, ऑप्शन बी 4861, ऑप्शन सी 7320 और ऑप्शन नंबर डी है 7969। तो ये चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है कि धातुएं जितनी भी जो जलने वाली मेटल होती है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो इनके ऊपर जब भी आग लगती है तो उस दौरान हम इनका पाउडर यूज में लेते हैं। तो उस पाउडर का जो आईएस कोड है वो हमसे पूछा गया है कि उस पाउडर का आईएस कोड कितना होगा। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4861, यानी कि 4861 उसका जो राइट है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक उपकरण का सिलेक्शन मेंटेनेंस का जो आईएस कोड है वो कितना होगा। ऑप्शन ए 4861, ऑप्शन बी 7320, ऑप्शन सी 7969 और ऑप्शन नंबर डी है 2190। तो इन चार ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है। अग्निशामक जो फायर एक्सट्रीब्यूशन होते हैं उनकी सिलेक्शन और मेंटेनेंस का जो आईएस कोड है वो कितना होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2190। अग्निशामक जो उपकरण होते हैं, फायर एक्सट्रीब्यूशन जो होते हैं उनका सिलेक्शन और मेंटेनेंस का आईएस कोड होता है। दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वे और थ्री वे जो स्ट्रक्चर कलेक्टिंग हेड है उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 902, ऑप्शन बी 903, ऑप्शन सी 904 और ऑप्शन नंबर डी है 905। टू वे एंड थ्री वे जो सक्शन कलेक्टिंग हेड है उसका हाईएस्ट स्कोर हमसे पूछा है, तो राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 904। कितना होगा 904, 904 टू वे एंड थ्री वे कलेक्टिंग सक्शन जो कलेक्टिंग हेड होता है उसका हाईएस्ट स्कोर होगा। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो डिलीवरी ब्रिजिंग डिवाइडिंग एंड कलेक्टिंग इंटरटेनियस पैटर्न फॉर फायर फाइटिंग पर्पस, तो इसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो क्या होगा। ऑप्शन ए 904, ऑप्शन बी 905, ऑप्शन सी 906 और ऑप्शन नंबर डी है 907। तो दोस्तों डिलीवरी जो ब्रिजिंग होती है डिवाइडिंग एंड कलेक्टिंग इंटरटेनियस पैटर्न फॉर फायर फाइटिंग पर्पस, तो इसके हाईएस्ट स्कोर के बारे में हमसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी 905। डिवाइडिंग ब्रिजिंग कलेक्टिंग एंड डिवाइडिंग इंटरटेनियस पैटर्न फॉर फायर फाइटिंग पर्पस। तो ब्रिजिंग जो यंत्र होता है एक वाई आकार का यंत्र होता है जिसके माध्यम से हमें दो लाइनों का पानी एक लाइन में और एक लाइन का पानी दो लाइनों में करने का काम में लेते हैं, तो उसी यंत्र को उसी उपकरण को हम किसके नाम से ब्रिजिंग के नाम से जानते हैं, तो उसी के बारे में हमसे पूछा, तो उसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो कितना होगा 905 905। लास्ट क्वेश्चन है कि रिवॉल्विंग जो ब्रांच होती है उसका हाईएस्ट स्कोर कितना है। ऑप्शन ए 905, ऑप्शन बी 906, ऑप्शन सी 907 और ऑप्शन नंबर डी है 908। रिवॉल्विंग हेड फायर ब्रांच वह घूमने वाले जो ब्रांच होती है वो जिसके ऊपर टोटल छोटी छोटी नौ नोजल्स लगी हुई होती हैं, इनके नोजल के डाय की अगर बात करें तो 5 mm होता है, ऊपर की तरफ एक कैप लगी होती है, एक छोटा सा नट होता है जिसको ग्रब स्क्रू के नाम से जानते हैं, नीचे की तरफ 63 mm इंटरटेनियस मेल कपलिंग होती है और जो ही पानी मिलता है तो ये घूमना शुरू हो जाती है, तो उसे परिक्रमण शाखा के बारे में हमसे बात की है, उसे रिवॉल्विंग हेड फायर ब्रांच के बारे में बात की, उसी घूमने वाली ब्रांच के बारे में बात की है, तो हाईएस्ट कोड जो होगा उसका राइट ऑप्शन नंबर बी 906 906 राइट आंसर होगा रिवॉल्विंग हेड फायर ब्रांच का। तो दोस्तों ये क्लास थी आप सभी के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसी तरीके से कंटिन्यू जुड़े रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।